अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टी वी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कुछ दोस्तों की शक्ल देख कर नुसरत फतेह अली खान की वो गजल याद आ जाती है, इनकी मासूमियत पर न जाना। अम्मा से पिटाई और बाप से धुलाई, नसीब वालों को ही अता होती है। शुक्र है मैं बड़ा नसीब वाला हूँ। औरत अपने ससुराल का हाल सुनाते वक्त जियो न्यूज बन जाती है और अपने मेके का हाल सुनाते वक्त पीटीवी बन जाती है। लफज, दोस्त, तशरीह, इज्जत ना करने वाली अजीबोगरीब बेढंगी लापरवाह मखलूक। चौधरी साहब और मलक साहब में ये मुकाबला रहता था कि कौन फजर की नमाज के लिए पहले पहुंचता है। चौधरी साहब हमेशा ही मलक साहब से पहले मस्जिद में होते थे। आखिर एक दिन मलक साहब ने चौधरी साहब से पूछा, तुम कैसे मैनेज कर लेते हो? मैंने तो बहुत कोशिश की मगर कभी तुमसे पहले फजर में ना पहुंच पाया। चौधरी साहब, यार मेरी दो बीवियां हैं जो कि एक दूसरे से सबकत ले जाने में मेरी मदद करती हैं, ये सब उनकी खिदमत और एहसान का नतीजा है। मलक साहब ने फैसला किया कि वो भी दूसरी शादी करेंगे और ऐसी मिसाल कायम करेंगे, लिहाजा उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मलक साहब भी चौधरी साहब के साथ मस्जिद में ही सोते हैं। अक्सर बीवियां ये धमकी देती हैं कि महज बच्चों की वजह से रुकी हुई हूँ, वरना कब का घर छोड़कर चली जाती। मैंने कहा, अब तो बच्चों की शादी भी हो गई है, निकल क्यों नहीं जाती? नेक बख्त कहने लगी, बस पोते की शादी देख लूं, फिर सुकून से चली जाऊंगी।